स्कूले नहीं उठ पाऊंगी, क्यों ऐसी हो, दर्द कर रहे, बोला नानी जी ने नाम है। हेलो नमस्ते खुलुम्बाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और आज मैं बनाने वाली हूँ पोर्क के साथ बासोर। तो इसे जो है ना बोर्ड में बोलता है बासोर। अगर आप लोग को पता है हिंदी या फिर इंग्लिश में क्या बोलता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये जो है ना थारो जैसा, ये बस थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका जो है ना मैं रूट्स को बनाने वाली हूँ, इसका स्टेम भी खाया जाता है। इसका रूट्स जो है ना बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है पोर्क के साथ, थोड़ा स्वीट सा मतलब टेस्ट होता है और पोर्क के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये रहा पोर्क और बासोर, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम लंच करते हैं बासोर के साथ पोर्क। अच्छा बना ना, हमेशा ऊँ ही बोलता है अच्छा ही बने ना बने ना क्या, लेकिन अच्छा ही बना है ना पोर्क, क्यों अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा ही बनेगा। उसका तो फेवरेट है पोर्क। और हाँ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी चीज शेयर करना चाहती हूँ। अभी जो है ना वैलेंटाइंस डे नजदीक आ गया है, तो इस टाइम पे जो है ना हम हर कोई मतलब अपने लव्ड वंस को कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे ही। लव्ड वंस मतलब तो ये नहीं कि बस पार्टनर ही हो, हमारे फैमिली मेंबर जैसे बहन बेटी को भी हम गिफ्ट दे सकते हैं जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं छोटा सा आप लोग को पहले मेरा स्टोरी सुनाती हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जब मेरा पहला पीरियड स्टार्ट हुआ था ना तो मेरी माँ ने मुझे सैनिटरी पैड दिया था। हालांकि उस टाइम पे जो है ना बहुत सारे लड़कियां कपड़े यूज करते थे, फिर भी माँ ने सोचा कि वो ज्यादा बेस्ट है तो मुझे दिया ताकि मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। एंड बिकॉज उस टाइम पे जो है ना पैड्स ही बेस्ट ऑप्शन था तो इसलिए मैं पैड्स ही यूज करती थी। लेकिन उस टाइम पे भी जो है ना बहुत सारे स्कूल एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी पीरियड्स के टाइम पे, जैसे कि स्विमिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फंक्शन वगैरह स्किप कर देना पड़ता था स्टेन की डर से ही, और मुझे जो है ना बहुत ही ज्यादा दुख लगता था। तो इसलिए मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ क्योंकि टीनेजर के टाइम में ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है पीरियड्स के टाइम पे। तो हालांकि मेरा जब टीनेजर बीता गया तो मैंने जो है ना सैनिटरी पैड से जो है ना एवर्टिन का मेंस्ट्रुअल कप में स्विच किया, तो अभी जो है ना ये सबका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसीलिए आप लोग भी इस वैलेंटाइन डे में अपने बहन बेटी को बढ़िया सा गिफ्ट दे सकते हैं जो कि एवर्टिन का एक्स्ट्रा स्मॉल मेंस्ट्रुअल कप देके, जो कि आप उन लोग के लिए गिफ्ट देंगे ना तो उन लोग के लिए मतलब लाइफ चेंजिंग गिफ्ट रहेगा ये। और अभी बात करें एवर्टिन का एक्स्ट्रा स्मॉल मेंस्ट्रुअल कप की, तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया है टीनेजर गर्ल्स के लिए जो अपने पीरियड्स के दौरान कॉन्फिडेंटली हर चीज में पार्टिसिपेट कर सके और उन्हें दाग का डर जो है ना किसी भी चीज में मतलब रोक ना पाए। तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ये मेंस्ट्रुअल कप बना है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से, 100% सेफ टू यूज है। कोई भी मेंस्ट्रुअल एडोर, ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट, स्किन इरिटेशन, ईचिंग और रैशेस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। लीक प्रूफ है और 12 घंटे तक ही हमें प्रोटेक्शन देता है पीरियड्स के दौरान। और ये जो है ना 16 ml फ्लूइड मतलब फोल्ड करके रख सकता है और इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। बस हमें मेंस्ट्रुअल कप को जो है ना फोल्ड करना है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा सी शेप में हम लोग को फोल्ड करना है, उसके बाद वजाइना में इंसर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को करते वक्त ना हमें थोड़ा सा रिलैक्स रहना है और कप को निकालते समय धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए निकालना है। ये जो है ना बड़ी आसानी से आराम से निकल जाता है और उसके बाद जो है ना इसको क्लीन करके हम इसे वापस यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी एवर्टिन का एक्स्ट्रा स्मॉल मेंस्ट्रुअल कप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेक कर सकते हैं।
तो अभी हम सब ने लंच कर लिया और अभी काम चल रहा है, आवाज सुनाई दे रहा होगा, मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं और हस्बैंड वहीं पे देख रहे हैं। और अभी ना मेरे दिमाग में एक खुराफाती सा मतलब आइडिया आया है, मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड पे प्रैंक करूँ। मैं एक्चुअली सफाई कर रही थी तो उसी में मतलब दिमाग में आया क्यों ना आज प्रैंक करे। मैं सोच रही हूँ कि मैं गिर के मतलब एक्टिंग करूँ कि मेरे पैर में मोचा है, बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा बोल के बोलूँ तो उनका रिएक्शन देखते हैं। डर लग रहा है पहले तो मुझे, मैंने मतलब ऐसे वीडियो कभी बनाया नहीं, मुझे आएगा कि नहीं पता नहीं, तो पहले तो मुझे कैमरा छुपाना है। मैं सोच रही हूँ मोबाइल फोन ही कहीं पे छुपा दूँ, इसी बिस्तर के नीचे छुपाने से शायद अच्छा होगा। फ्रंट करके रखना पड़ेगा, फ्रंट कैमरा से करना पड़ेगा। मेरे पास मतलब गोप्रो भी है तो गोप्रो से बेहतर होगा कि मैं फोन से ही करूँ, तो पहले जल्दी से छुपा लेते, टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो कभी भी आ भी सकते। इसी बिस्तर के नीचे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, रुकी। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बिस्तर के नीचे यहाँ पे रख दूँ मैं कैमरा और मैं इधर इस साइड पे बैठ जाऊँ तो अच्छा होगा। पहले रख लेते कैमरा को, रुकी। कैमरा को मैं इधर रख देती हूँ, बाहर इतना शोर है काम करने का कि पता नहीं मेरा आवाज सुनाई देगा कि भी नहीं। थोड़ा बेडशीट का प्रॉब्लम होगा लेकिन उपाय नहीं है, इससे चुप रहा है मोबाइल। इधर रहूंगी मैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने मोबाइल कहाँ पे रखा है। इधर से पूरा अच्छी तरीके से छुप जाता है, ऊपर से दिखाई नहीं देता। मैं इधर बैठूंगी, इसे भुला हूँ, मुझे शायद चेयर को भूल जाना चाहिए। मैं बोलूंगी कि सफाई कर रही थी, हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। क्या किया था? उधर ऊपर साफ कर रहे थे। खबर जगा नहीं, देखो फूल रहा है सर। दर्द कर रहा है बड़ा, सच में दर्द कर रहा है, बहुत मोचा जैसा लग रहा है मुझे। स्प्रे किधर है? फुल गैस है। स्प्रे किधर है? स्प्रे माँ के पास है ना? क्या चला गया माँ के पास? मुझे सौरभ आ रहा है, फेस नहीं कर पा रही मैं। ये सात उंगली नहीं ले, फूल गया, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? देखो ठीक, तुम्हारा पेट फूला हुआ है। नहीं इस साइड पे देखो ना, कैसे बोलते हो तुम? मकड़ा का जाल था तभी बोला था ना। सुले नहीं उठ पाऊंगी, क्यों ऐसी हो, दर्द कर रहे बोला सिर्फ जाए फूल रहा है, मुझे पता चल रहा है यहाँ पे दर्द कर रहा है, सच में बोल रहे थे, क्यों ऐसा हो? उठना नहीं उठ पाऊंगी बोल रही हूँ मैं। माभ संगे ओ अभी देवसी ने ना, ये देवसी ने
प्रैंक वीडियो कैसा बनाएगा ना, पता नहीं ये भी मतलब
मेरे तो, लेकिन फिर भी फेल तो नहीं हुआ, तुम्हें भरोसा हुआ ना, तुम नहीं गिरा हुआ। मुझे पता ही था। कैसे पता था तुम्हें? अभी तो कुछ भी बोलेगा, पता था बोले। कैसे पता था तुम्हें? बोलो। इसे बोला। अच्छा भाई मैंने बुनाया, बोल मैं सच में फील कर रही हूँ, दर्द वजह से लग रहा है मुझे। उल्लू बने। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसे सच में भरोसा लगा कि मेरा मतलब मोच आया है बोल के। थोड़ा रिएक्शन उसका ऐसा ही है हर चीज में, आप लोगों को तो पता ही है, थोड़ा रिएक्ट नहीं कर पाता चीजों को। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किचन को भी कैसा बन रहा है। अभी हम लोग का काम चल रहा है, ऊपर उठा दिया, दिखा देती हूँ कैसा लगा मेरा मजाक। हो गया काम चल रहा है, ऊपर का बीट सब लगाना है ना, इधर का हो गया दरवाजा बनाना है। शोरों शोरों के साथ काम तो चल रहा है, काफी टाइम लगता है ना सब में। ड्रॉयर का है क्या? रियान किधर है? रियान 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 मकलम दंग ये ये फोन से नहीं दंग चिंग नहीं ले ओए ओए रियान नोट बॉय ए आज हमा। तो आज फाइनली मैंने हस्बैंड पे मतलब एक प्रैंक वीडियो तो बना ही लिया, बहुत ही नॉइस है। तो आज का ब्लॉग भी ना मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।